हेलो फ्रेंड्स, आई एम मयंक। वेलकम टू माय चैनल डेव्स किचन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं बनाने जाने वाला हूँ चिकन कड़ी। चलिए उसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए पहले हमको चिकन को मैरिनेट करना पड़ेगा। चलिए इसे मैरिनेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ के जी चिकन लिया है और आपको यहाँ पे चिली चाहिए होगी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए होगा, ऑनियन का पेस्ट चाहिए और 3 चॉप्ड किए हुए ऑनियन। और अभी मैं 4 लार्ज साइज के पोटैटो लिए हैं, मतलब आलू लिए हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से धो के काट लिया है, धो लिया है चिकन को मैंने अच्छी तरह से। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। यह मैं आपको 1 टीस्पून सॉल्ट देना है, 1 टेबल स्पून हल्दी देना है और आपको 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल देना है। अब मैं इसे मिला लेता हूँ। मैंने यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए मैरिनेट करने देते हैं। सो मैंने यहाँ पे गैस में कढ़ाई बैठा दिया और तेल दे दिया 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पे हम आलू को फ्राई करेंगे। वन टेबल स्पून सॉल्ट देंगे, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर देंगे और इसे मिला लेते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आलू को मतलब पोटैटो को फ्राई कर लिया है और मैंने इस बाउल में उठा लिया है। अब हम कढ़ाई में मसाला डालेंगे। दोस्तों, मैंने अभी कढ़ाई में फिर से तेल डाल दिया है, गर्म हो गया है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। दोस्तों, मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऑनियन और तेज पत्ता डालेंगे चॉप किए हुए। इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिलाना है ताकि जिंजर गार्लिक का स्मेल बहुत अच्छी तरह तरीके से आए। जैसे मैंने इसे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें चिली डालेंगे। अगर आपके पास रेड चिली नहीं है तो आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। हमने इसे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे, ऑनियन का पेस्ट। जितने ज्यादा मसाले उतने ज्यादा टेस्ट। तो मैंने यहाँ एक बाउल में 2 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है। अब हम इन सभी को थोड़े थोड़े पानी से इसे मिक्स अच्छी तरह से मिला देते हैं। अच्छी तरह से मिलाना है इसे। तो पानी डाल, मैंने इसे पूरा 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें वो मसाले डालेंगे। मैंने तो चिकन डाल दिया है। अब हम इसे मिला लेते हैं। जैसे अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। तो मैंने इसे 15 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे, पोटैटो
अब हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए फिर से पकने दे मीडियम फ्लेम में। 5 मिनट फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें पानी डालते हैं। और इसे मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को हाई कर लीजिए और इसे पकने के लिए रख देते हैं। चिकन करी में अभी अभी उबाल आ गया है। अब हम इसमें गरम मसाला डालते हैं, 2 टेबल स्पून है। अब हम इसे मिला लेते हैं। दोस्तों मुझे यहाँ पे चिकन करी में पोटैटो के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको पोटैटो अच्छा पसंद नहीं है तो पोटैटो नहीं भी डाल सकते हैं। लीजिए तैयार हो गया आपका चिकन करी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़रूर। और सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।